आज आपको लेकर चलते हैं एक बर्ड सेंचुरी में जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, और इस बर्ड सेंचुरी का नाम यूनेस्को की विश्व विरासत में भी दर्ज है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी को अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 250 प्रजाति के पक्षियों का इस बर्ड सेंचुरी में घर है, और मैमल्स, रेप्टाइल्स, बहुत तरह के जानवर यहाँ पर हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक स्नेक था जो पानी में चला गया है, और आप सामने सामने देख सकते हैं, सामने एक टर्टल बैठा हुआ है। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, सामने देखिए, सामने साफ दिखाई दे रहा है। और पूरे घने जंगल से भरा हुआ ये बर्ड सेंचुरी बहुत ही सुंदर है। सामने आप चीतल को देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने की वजह से बाढ़ आ जाया करती थी, इसलिए भरतपुर के राजा सूरजमल ने अनजान बांध का निर्माण करवाया गया था। ये बर्ड सेंचुरी गोवर्धन और आगरा के बिल्कुल नज़दीक है। हमें यहाँ पर सारस क्रेन का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं। इनके साथ हमने कम से कम 1 घंटा यहाँ बिताया। हम यहाँ तक साइकिल पर पहुँचे थे, रेंट पर हमने साइकिल ली थी। यहाँ पर पैदल भी आया जा सकता है, लेकिन साइकिल से थोड़ा टाइम बच जाता है क्योंकि सेंचुरी काफ़ी किलोमीटर में बसी है। 1 साइकिल का रेंट यहाँ पर अराउंड 40-50 था, और 1 पर्सन की एंट्री का भी रेंट यहाँ पर 70 के करीब टिकट लगती है। बर्ड्स लवर के लिए ये जगह स्वर्ग की तरह है। यहाँ पर इंडियन से ज़्यादा फॉरनर्स लोग बर्ड सेंचुरी में एंजॉय करने आते हैं। सामने देखिए, पानी के अंदर ही पेड़ के ऊपर कितने सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अगर सामने ध्यान से देखा जाए, सामने ब्लैक बक हिरन है जिसे काला हिरन कहते हैं। डक्स की यहाँ कोई कमी नहीं है। सामने देखिए, झुंडों में डक्स ही डक्स हैं, और आसमान में उड़ते पक्षी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसी बर्ड सेंचुरी में एक पुराने टाइम का प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन उसके बारे में हमें वापस आने पर पता चला। वो देखो, वो क्रेन जो पक्षी आपने हवा में उड़ते हुए देखे थे, अब उनको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। यहाँ पर एक सामने पक्षी बैठा हुआ है, इसके हम बहुत नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन लगता था ये पक्षी थोड़ा बीमार था। इस बर्ड सेंचुरी में पक्षी बाहर के देशों से भी उड़ उड़ कर आते हैं, जो हजारों किलोमीटर का सफ़र कर कर हमारे भारत में आते हैं और इस सेंचुरी में पहुंचते हैं, और कुछ समय बिताने के बाद वापस उसी दिशाओं में चले जाते हैं जहां से वो आते हैं। फोटो दे रहा है, वो पूरा फोटो खिंचवा रहा है अपना। दूसरा और घुमा ले यार। ओपन विल स्टार्ट, इसके ओपन विल।